आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल गुरुजी की करंट अफेयर्स की एंड जीके क्लास में स्वागत है। आज की तारीख 10 तारीख है, 10/6। तो आज सभी स्टूडेंट के लिए आज करंट अफेयर्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट्स लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी का नाम CIL है, जिसकी फुल फॉर्म कोल इंडिया लिमिटेड है और यह है कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 2015 के बाद में जिस तरह से अभी कुछ समय पहले हमारे देश के अंदर बिजली संकट आया था, उससे बचने के लिए अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा से विदेशों से 2015 के बाद पहली बार कोयले का आयात करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा मैं कि गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर है। तो ध्यान सुनिएगा कि गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर है, ये राणा प्रताप सागर बांध का सहायक बांध है। जब ये इससे पानी छोड़ाता है तो वो पानी राणा प्रताप सागर बांध में जाता है। अभी हाल ही में केग ने रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि राणा गांधी सागर बांध डैमेज हो रहा है, जिसमें अभी जांच पड़ताल के बाद में इसको सुरक्षित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाई गंगा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो आप सभी स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा, माही गंगा सागर महोत्सव बांसवाड़ा में गंगा माई नदी के गमन पुल के पास स्थित माही माता के मंदिर में मनाया जाता है। तो इसको मोटे तौर पर समझा जाए तो माही गंगा महोत्सव बांसवाड़े से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन, ASCI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगी ASCI की फुल फॉर्म एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसकी अभी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर जेंडर से जुड़ी गलत धारणाओं वाले एडवर्टाइजमेंट पर जो भी हमारे व्यवहार या हमारे बदलाव करते हैं, जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं, उन सभी के ऊपर रोक के लिए एक अध्यक्षता में मीटिंग की गई थी और फैसला लिया गया था कि जो भी एडवर्टाइजिंग के अंदर जो मानसिकता पर प्रभाव डालते हैं मनुष्य के, उनको हानि पहुंचाते हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन, ऐसा कौन सा देश है जिसने अंतरिक्ष में सौर पैनल लगाकर बिजली बनाने का दावा किया है? तो उसका उत्तर होगा चीन ने हाल ही में ब्रिटेन को और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए यह दावा किया है कि सौर पैनल लगाकर अंतरिक्ष के अंदर सौर पैनल के जरिए ऊर्जा को माइक्रोवेव या लेजर में बदलकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिसको कि घरेलू काम में भी लिया जा सकता है। इसी तरह दावा किया है, अगर ये दावा कंप्लीट होता है और ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है चीन का, तो दुनिया का पहला एक ऐसा देश होगा जो इस तरह से बिजली का उत्पादन करेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, देश में निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो उनका नाम होगा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 1977 के अंदर सातवें चुनाव जो हुए थे उनके अंदर चुने गए थे। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थे और उसके बाद इन्हें निर्विरोध चुना गया था और ये सातवें चुनाव हुए थे, सातवें राष्ट्रपति थे। आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, अभी तक टोटल 14 बार चुनाव हो चुके हैं, कंप्लीट 15 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। जो एक चुनाव 1977 का था उसमें वोटिंग नहीं हुई थी, इसलिए जो वोटिंग हुई थी वो सिर्फ 14 बार हो चुकी है और इस बार 16वां चुनाव है राष्ट्रपति का, जो कि अभी कुछ ही समय बाद में होने वाला है। सेवेंथ क्वेश्चन, सीनियर नेशनल सितोलिया का उद्घाटन मैच कब हुआ? तो सितोलिया मैच को पहली बार गेम्स में मेरे साथ शामिल किया गया है और इसका पहला मैच सीनियर नेशनल सितोलिया का उद्घाटन मैच कल ही हुआ है, 9 तारीख को 9 जून को, जो कि पिंक सिटी जयपुर में हुआ है और इसके अंदर राजस्थान की टीम ने छत्तीसगढ़ की टीम को हराया है। एट क्वेश्चन, संघ के संस्थापक
हेडगेवार के भाषण को कक्षा 10 के सिलेबस में शामिल किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के अंदर, कर्नाटक सरकार के अंतर्गत कर्नाटक के अंदर। तो इस वजह से काफी ऑब्जेक्शन वगैरह हो रहे हैं कि यह बोला जा रहा है कि भगवा रंग को अब सिलेबस में किताबों में भी घोला जा रहा है, तो इसमें काफी विवाद खड़ा हो रहा है। तो ये कर्नाटक सरकार का मैटर है जिसमें दसवीं कक्षा के अंदर संघ के संस्थापक हेडगेवार के भाषण को शामिल किया गया है। इस तरह से इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स आपने हेयर कॉन्स्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की, एसआई की या नेक्स्ट आरपीएफ वगैरह जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और रेगुलर मेरे चैनल पर बने रहिए और आगे आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिए, और जितना हो सके उतना वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।